अच्छा जी, यहाँ मैं जा रही थी शादी में, ये मेरे 4-5 दिन पुराना वो है, मैंने शूट किया था तो एक क्लिप मेरे पास पड़ा था, हम 4-5 दिन पहले शादी में गए थे, तो मैंने कहा इसे अपने व्लॉग में मैं ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने ये वाला सूट प्रेस किया था शादी के लिए, ये देखें ये कंप्लीट सूट ये मैंने पहना था, ये मेरे कज़न की शादी थी करीबी, तो वहाँ हम लोग गए थे पूरी फैमिली, अम्मी नहीं आई थी और बड़ी बहन नहीं आई थी, बाकी सब गए थे। शादी में और हम लोग बहुत लेट पहुँचे, बहुत लेट है ना, मुझे लगे थे कोई फैमिली आई है, मम्मी नहीं आई थी और बड़ी घर नहीं आई। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ सब खराब से होंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, सबकी दीवे पे दुआओं के साथ, मोहब्बत साथ और प्यार के साथ। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, मार्केट में जा रही हूँ मार्केट, हमने ऑनलाइन हमारे 2 पंखे हैं घर के, दोनों पंखे को चेंज करवाना, एक नया पंखा लेकर आना है। वो देखें दोनों बाइक पर पंखे रख दिए, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी हम नए घर जा रहे, तो हमने कहा नया पंखा लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पर हमारे 2 कमरे थे, 2 पंखे थे, यहाँ पर हमारे हम दोनों को चेंज करवा के एक नया पंखा लेंगे। ये ले चाबी, जोहा भी बैठ गई बूम पे, अभी दिखाती हूँ जोहा आती आपको। आवाज़ तो निकाल लो ना जानी, एक पंखा आप ही पकड़ के बैठा हुआ, एक पंखा जोहा पकड़ेंगी, एक पंखा मम्मा पकड़ेंगी और पापा वो पकड़ेंगे इसके पर जो होते हैं ना। चलो दुआ पढ़ी जोहा आपने, दुआ पढ़ी है सफ़र, आवाज़ क्यों निकाल रही। तो आपकी फ्रेंड आ गया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, हाँ चेहरे पर हंसी आ गई, हंस क्यों नहीं रहती है, हट गोली गोली हंस क्यों नहीं रहता, गंदे बेबी हंस लिया कर थोड़ा सा, देखो वो देखो दो दो केटू, एक केटी खाना खा लिए, एक केटू वो आपकी फ्रेंड है और ये गंदी बेबी, उसकी आँखें कितनी प्यारी हैं देखो। चलो आओ, चले चलो आ जाओ, लिया है पंखा अभी एक, और पंखा कौन सा पसंद किया है पंखा हम लोगों ने, ये वाला कौन सा है, ये है एयर मास्टर का पंखा, हम लोगों ने लिया अपने 2 पंखे हमने दिए और ये वाला लिया। जो हाँ नया पंखा आ गया ना, अब नए घर में नया पंखा है, मज़ा आ गया। चलो ये पर मुझे दे देना, अच्छा अभी तो आप रो रही थी, अब हंसने लग गई हो है। हम लोग आ गए वापस, अब बना रहे हैं नाश्ता, नाश्ते के बाद हम करेंगे थोड़ी सी शिफ्टिंग की तैयारी, हस्बैंड जाएंगे ये पंखा लेकर, जो हम लोग ले आए हैं ये पंखा लेकर यहाँ पे वहाँ लगाएंगे घर पे, और जब तक फिर हम लोग उतारेंगे अपने बैग वगैरह, पहले हमने कहा था खाना वाना खा लेंगे, अभी मैंने आपको ऐसे दिया था इसका साबुन वगैरह रखने वाला, रेट वो लगा लगा दिया, लगा हुआ है वो सब लग गया, और जो कल हमने मेथी बनाई थी ना वो सुबह पराठे से बहुत मज़े की लगती है, ये मेथी मेथी और पराठे बहुत यम्मी लगते हैं। नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, नाश्ते के बाद हम करेंगे थोड़ी सफाइयाँ और फिर आज मशीन लगाऊंगी, थोड़े से जो कपड़े बचे हैं वो आज उठा के, और फिर हम लोग अपना सामान समेटेंगे, सारा बैग वगैरह जो हमें लेके जाने हैं। ये हमारा मज़ेदार सा नाश्ता, ये मैंने अपनी बतली रोटी या हस्बैंड की रोटी फ्राई की है, और यहाँ पे है हमारी मज़ेदार सी मेथी आलू। कहाँ जा रहे हो जोहा, खाना खाओ पहले आ जाओ, बिस्मिल्लाह, क्योंकि पराठों से ना सब्ज़ी बहुत मज़े की लगती है, और जो मैंने साग बनाया ना ये चला उसमें भगाल लगा के ना, फिर उसको हम वहाँ जब घर शिफ्ट करेंगे ना कल, तो वहाँ खाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे की अच्छी लग रही है ना पराठे से, जोहान ने डोल के कपड़े बनाए, चलो अब नाश्ता करो आओ, डोलो पता है आपको, और भी अच्छी लगी, चलो चलो नाश्ता करो, आलू से खाओ ऐसे,
बिस्मिल्लाह पढ़ो, बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही के पास आऊंगा मेरी जान के टोटे। चलो मजे का है आलू, आलू मजे का है। चलो 500 रुपए लिए मैंने, आधा किलो, आधा किलो चावल, एक पाव गोश्त और नींबू बस, और ये बस बाकी तो टमाटर में भी है मेरे ख्याल में। चेक कर लो, ख्याल को छोड़ो, हटो तो मैं चेक करती हूँ, टमाटर तो होंगे रखे थे मैंने यार, दो है, टमाटर कम है, कम है नहीं, कम है टमाटर, जल्दी से लाओ फिर मैं फटाफट से ये काम करूँ सारा, बर्तन वगैरह धो हो रहा है यहाँ पर भाई। खेल रहे हो जी। सही। हेलो हेलो। अच्छा खिलौने अगर खिलाओगे तो समेट के रखना, ठीक है बेटा, आज मेरे पास बहुत काम है, ठीक है ओके। चलो खेलो। कपड़े गिर के आ गई हो, ओए हुई ये क्या हुआ, ओ लो ईंटों पे गिरी थी हैं, पत्थरों पे गिरी थी, पैर यहाँ पे लगे हुए थे, मना करती हूँ ना मैं, दर्द हो रहा है, लो मैं साफ करके लगाती हूँ, रुको मैं मना करती हूँ, जोहा आपको दर्द हो रहा है ना, तो ना घर में खेलो बेटा, ये बाहर जा रही थी, तो आप तकलीफ तो देखो जोहा को हो रही है ना, आंटी हम चुपा खेल रहे थे, तो बेटा इतना बड़ा घर है यहाँ खेलो ना, जैसे भी इसे सुबह चले जाना है, इधर लाओ इधर लाओ, और लगाऊंगी इधर लाओ, नहीं बेटा सही, मेरी जान सही जाएगा, मम्मा की जान है, शेर बेटा है शेर, खून भी निकल रहा है, हाँ तुम बब्बर शेर हो ना मम्मा के, चलो की जान है, अच्छी जाती बेटी है, दर्द हो रहा है, घर में खेलने का बोलती हूँ ना मैं हमेशा, आप दूसरों पर डालेंगे, मम्मा ये मुझे बोल रही थी, मम्मा ये मुझे बोल रही थी, अच्छा झूले पे इसको झूला झुलाओ, ठीक है झूला झुलाओ इसको, गिर के आ गई, पूरा हाथ पे चोट लगवा लिए, फिर भी अभी खेलना इनका खत्म नहीं हो रहा जी, चुपा चुपा खेला, घर के अंदर बाहर कोई नहीं जाएगा, ठीक है चलो अभी इनको मैं खेल में लगाती हूँ, फिर थोड़ी देर के बाद साफ करती रहूँगी, और मैं किचन में जाती हूँ, अभी हस्बैंड ने लाए हैं दुपट्टा नहीं पहना मैंने, हस्बैंड लाए हैं गोश्त और चावल, जल्दी से गोश्त और चावल पकाऊँ, मशीन लगाऊँ, सफाइयाँ निपटाऊँ, बाथरूम भी क्लियर करके जाऊँगी, धो के जाऊँगी पूरा घर, ताकि उनको परेशानी ना हो, जो भी आए उनको परेशानी ना हो, और बस ये बैग में उतारते हैं सारे, क्योंकि हमने यहाँ से सब उतार लिया है, जो हमारा लगा था ना घड़ी वड़ी हमने सब उतार लिए, पंखा भी देखो उतार दिया हमने, नया पंखा भी लिया है, बस अब छोटा मोटा सामान पैक करना है, किचन का सामान पैक करती हूँ खाना पका के, बस इंशाल्लाह शिफ्टिंग की तैयारी है, जल्दी से पहले मैं ये बर्तन निपटा लेती हूँ, फिर इसमें सालन चढ़ाती हूँ पतीली में, मैं इसमें चावल बनाऊँगी, सरफ भी मंगवा लिया हस्बैंड से मैंने कपड़े धोने के लिए, जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते हैं फटाफट, पहले इसे चुटकी बजा के ये बर्तन आपको पूरे साफ होकर दिखा दूँगी, ऐसे ही हूँ, देखें ये सारा किचन मेरा साफ हो गया, देखें पूरा साफ हो गया, और मैंने यहाँ चावल जो है ना धो के भिगा दिए, और यहाँ पर मैंने पकाने का सामान निकाल दिया है, तो अब बनाने लगी हूँ मैं गोश्त, और जो आपको मैंने पट्टी बांध दी है मेरे हाथ पे, जाके लेट जाओ रेस्ट करो, चोट लगी है ना, चलो यहाँ पर आज मैं इसे सब चीज़ें एक साथ डाल के ना गोश्त चढ़ा रही हूँ, बहुत मज़े का बनता है इसे, ये देखें प्याज डाल दी इसके अंदर, अच्छा जी मैंने इसमें प्याज डाल दी है, साथ में टमाटर जाएंगे, चूल्हे को हम कर देते हैं अपना तेज़, और सारे मसाले जाएंगे इसमें, अच्छा सारे एक साथ मसाले एक साथ जाएंगे ना, फिर इसको हम भून लेंगे, जोहा आ रही हूँ बेटा आ रही हूँ, इसमें हम डाल देंगे ऑयल, और इसको आहिस्ता सा पकने देंगे, ये पकता रहेगा, और शाम के खाने के लिए बन रहा है हमारे लिए हमारे गोश्त और चावल, धनिया पाउडर साथ में जाएगा, नमक, ये गया नमक, हरी मिर्च डालूँगी जब भुनने लगेगा ना, लाल मिर्च अपने आइडिया से डालो, जितना खाते हो जितना पसंद है उतना जाएगा, यह है जी गरम मसाला, साथ में जाएगा हमारा
हल्दी पाउडर थोड़ा सा, हाफ टी स्पून, थोड़ा सा डाल देंगे ज़ीरा अच्छे टेस्ट के लिए, ये जाएगा आधी चम्मच ज़ीरा। सारे मसाले हमारे इसमें ऑलमोस्ट चले गए हैं, अब इसमें जल्दी से इसको मिक्स करके इसको पकने देते हैं। जब ये बन जाएगा, पानी खुश हो जाएगा, गोश्त हमारा गल जाएगा, इसको भून लेंगे। यहाँ ये बन गया और अब यहाँ पे जरूरत मैं बनाऊँगी अपने चावल, उसके बाद हमारा खाना हो जाएगा रेडी। ओके जी, यहाँ पे मैंने सालन मेरा बन गया था, मैंने इसको भून लिया था और मुझे लग गई भूख क्योंकि मैं मार्केट गई थी, चावल भी मेरे रेडी हो गए थे क्योंकि मार्केट गए थे, थोड़ा घूम फिर के आए थे तो मुझे भूख लग गई थी। जैसे ही खाना बना तो मैंने गरम गरम निकाल के खा लिया क्योंकि भाई फिर गैस चल जाती हमारी। मेरा हाथ तो आपको बहुत पता है ना, अब चोट लग गई तो क्या करें, आओ खाना खाओ प्यार से, आ जाओ खाना खा के तो बताओ कैसे बनाए। डोल मिल जाएगी, मम्मा खाना खा रही है, कैसे मुंह में पानी आ रहा होगा, देख के इतना मजे वाला खाना, मेरा फेवरेट खाना है ये, सालन और हो और सफ़ेद चावल हो, भले वो दाल क्यों ना हो और साथ में सलाद हो, ओहो हो मज़ा आ जाता है। चले जी, जिसको खाना है आगे खा ले। और ये भी देख, यमी, हम ये उतार रहे हैं जो मैंने लगाया था, और बाहर का तो उतार दिया, किचन का जो लगी थी ना घड़ी किचन में वो उतार दिए, अब ये उतार रहे हैं। और यहाँ देख रही हैं जोहा मोबाइल में वीडियो, वहाँ निकाल रहे हैं मम्मा खाना, ये पहुँच गई मम्मा के पास। गरम कर लिया? नहीं ना, कहाँ गरम हुआ है, गैस ही कहाँ आ रही है, बस गैस नहीं आ रही, तुम्हारे रसी में ठंडा खाना है, ठंडा खाना खाओ, जब बना था मैं तो गरम गरम खा लिया था, यहाँ पे आपको पता नहीं है कि 10 बजे के बाद गैस चली जाती है, अभी तो 1 बज गए, तो नहीं आती ना, सुबह आएगी, वहाँ से होगा नए घर में, वो तो सिलेंडर होगा ना, गैस थोड़ी होगी, सिलेंडर तो जब चला हुआ। जोहा खाना खाना है, हाँ खाना है, उसमें चलो हमने कपड़े नहीं धोए, मेरी तबीयत थोड़ी सही थी, सुबह लगाएंगे दिन में, सारी पैकिंग भी सुबह करनी है। तुम कॉटन्स नहीं लाए ना, बोला था ना मैंने, कॉटन्स बोला हुआ, कल दिन में ही मिलेंगे वो, तो लेकर आओ ना सामान रखना यार, मैं तो इतने खाऊंगी बहुत सारे, जोहा को भी खिला लेना, सालन देखो ये ठंडा हो रहा है, ये धोखे तो ठंडा हो रहा है। हम सब ने खाना खा लिया और जोहा का खाना अभी तक चल रहा है, मैंने खा लिया था पूरा, मैंने एक और प्लेट मंगवाई है, अपने और लिया है एक और प्लेट, हाँ पेट भर के खाओ। और यहाँ पे हस्बैंड बेड झाड़ रहे हैं, सोने की तैयारी हो रही है क्योंकि रात बहुत हो गई है, और मैंने यहाँ पे सारा काम भी कर लिया अपना, बर्तन बर्तन भी खाने के धोके रख दिए, अभी अपने संभालती हूँ, उनको फ्रिज में रखती हूँ। और यहाँ जो फ्रिज में ना मैंने कुछ खाने भी बना के इसने रखे हैं, ये साग है, ये साग बना के रखा है, ये दाल है, और यहाँ पे है जी हमारी कढ़ाई, ये मैंने 3 खाने बना के रख दिए एहतियात के तौर पे कि यहाँ पे जाएंगे ना शिफ्टिंग के लिए तो हमें ज़रूरत ना पड़े। खा लिया आपने? नहीं बनाया मैंने, तब से पूछो क्या बनाया आपने? नहीं वो जो मैंने दाल जैसा कुछ सुना था। हाँ तो दाल मैंने बना के रखी हुई है ना, अभी जब कल जाएंगे नए घर में तो फिर निकालेंगे ना, गर्म करेंगे। जाओ फ्रिश होके अपना खाना मेरा बैठेगा। जी जी जाओ फ्रिश होके खाना मेरा। वीडियो को भी एंड करते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही थी, मैंने कपड़े नहीं धोए क्योंकि मेरी ना तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो हस्बैंड ने मना कर दिया कि कल धो लेंगे, सरफ तो अभी ऐसे ही पड़े हैं, ये सरफ अब कल लगाएंगे मशीन, अब उतना काम तो है नहीं, बस अब थोड़ा बहुत सामान हमने निकाल लिया है, उस कमरे पर रख दिया सारा सामान निकाल के जो ले जाने वाला है, ऊपर से खाली कर दिए सारे, उतार भी लिए ऐसे घड़ी वड़ी सब उतार लिए, अभी तो स्टिकर है ये तो उतरेगा नहीं, ये तो फट जाएगा, मैं कल लगेगा तो किसी के काम आ जाएगा, तो बस सारा काम हो चुका है, आपने करूँगी रेस्ट, सोऊँगी थोड़ा सा दवाई पी के क्योंकि गले में ना अभी तक पूरी खराश है, बहुत ज़्यादा खांसी है। दुआओं में याद रखिएगा, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।